स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे पाकिस्तान के आर्थिक स्वरूप का। वास्तव में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। पाकिस्तान की के जो कृषि विकास के प्रमुख बाधक तत्व हैं वो जलवायु एवं धरातल की अनुपयुक्तता है, किंतु सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रदत्त सिंचाई सुविधाओं के कारण ही यहाँ कृषि का विकास संभव हो सका है। पाकिस्तान की प्रमुख कृषि उपजें हैं गेहूं, कपास, तिलहन, मक्का, गन्ना और अन्य मोटे अनाज। पाकिस्तान में पशुपालन एक प्राचीन उद्यम रहा है और आज भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक ऐसे क्षेत्र जहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है वहाँ कृषि करना संभव नहीं है। बलूचिस्तान के क्षेत्र में सर्वाधिक पशुपालन किया जाता है। पाकिस्तान में पशुओं के कई उत्तम प्रकार मिलते हैं। इनमें लाल सिंधी गाय, साहिवाल गाय प्रसिद्ध हैं। यहाँ की नीली बार और कुंडी भैंसें प्रसिद्ध हैं। इनके दूध में मक्खन का प्रतिशत अधिक होता है। बैलों में यहाँ धानी और भांगरी प्रसिद्ध हैं। थारपारकर श्रेणी के गाय बैल भी उपयोगी हैं। पाकिस्तान में अनेक सरकारी पशु फार्म भी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मीरपुर खास, सकरंद, दादू, महाबलपुर, झानिया, जहांगीराबाद, मोंटगुमरी, फाजिलपुर और कादिराबाद के जो फार्म है वो प्रसिद्ध है। भेड़ पालन शुष्क प्रदेशों में यानी कि बलूचिस्तान और थार क्षेत्र में किया जाता है। पाकिस्तान में अनेक प्रकार के खनिज संसाधन भी उपलब्ध हैं, जिनमें पेट्रोलियम, गैस, लोहा, यूरेनियम, क्रोमाइट, जिप्सम प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारिक स्तर के खनिज तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट एवं फॉस्फेट भी उपलब्ध हैं, यद्यपि इनकी मात्रा सीमित है और वैज्ञानिक रूप से खनिज खनन का कार्य अभी नहीं हो पाया है। पाकिस्तान में औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक उन्नत देश नहीं है। इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जैसे अविकसित अर्थव्यवस्था एवं पूंजी की कमी, औद्योगिक कच्चे माल की कमी, औद्योगिक ईंधन की कमी, निम्न तकनीकी स्तर एवं प्राकृतिक बाधाएं जैसे असमतल उच्चावच एवं शुष्क जलवायु आदि। पाकिस्तान में कुटीर उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है और आज भी ये उद्योग न केवल देश के लिए अपितु निर्यात के लिए भी उत्पादन करते हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग,
रेशमी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, रसायन उद्योग। इसके अतिरिक्त धातु उद्योग, छोटी मशीनें बनाना, विद्युत का सामान बनाना, चमड़े का सामान बनाना, कांच उद्योग, माचिस बनाना, प्लास्टिक के सामान बनाना आदि भी यहाँ विकसित हैं। परिवहन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ के प्रमुख रेल मार्ग हैं पेशावर से कराची, दूसरा कराची क्वेटा रेल मार्ग, नेक्स्ट हबीब कोट चमन रेल मार्ग, और नेक्स्ट है हमारी रेल मार्ग। सड़क मार्गों की पाकिस्तान में कुल लंबाई लगभग 19,000 किलोमीटर है। आंतरिक परिवहन का यह अत्यधिक प्रचलित साधन है। प्रमुख सड़कों में ग्रांड ट्रंक रोड जो लांदी कोतल जो कि पेशावर के निकट है, से रावलपिंडी, झेलम होती हुई लाहौर तक तथा बाद में बाघम से भारत में प्रवेश करती है। अन्य प्रमुख सड़कें लाहौर से कराची, लाहौर से क्वेटा और क्वेटा से कराची हैं। इसके अतिरिक्त सीमा प्रांतों में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अनेक सड़कों का निर्माण किया गया है। आंतरिक परिवहन के रूप में जल परिवहन का विकास किया गया है। इसमें नदियों का उपयोग किया जाता है। सिंधु नदी के मुहाने में 160 किलोमीटर तक जहाज आ सकते हैं। लकड़ी को नदियों के माध्यम से मैदानी भाग तक लाया जाता है। विदेशी जल परिवहन के लिए कराची पाकिस्तान का सर्वप्रथम बंदरगाह है। पाकिस्तान की वायु परिवहन सुविधा प्रमुख नगरों तक ही सीमित है। इसकी स्वयं की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है जो विश्व के अनेक देशों से पाकिस्तान को वायु मार्ग के माध्यम से संयुक्त करती है। यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद और रावलपिंडी और मुल्तान हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर अत्यधिक निर्भर है। यहाँ का विदेशी व्यापार असंतुलित है क्योंकि यहाँ निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है। पाकिस्तान से जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है वो हैं कपास, ऊन, चमड़ा, चाय, मछली, चावल, कालीन आदि। पाकिस्तान का विदेशी व्यापार प्रमुख रूप से ब्रिटेन, यूएसए, जापान, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी एशिया के देशों के साथ है। भूटान भी दक्षिणी एशिया का एक प्रमुख देश है। भूटान आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है क्योंकि यह सदा से ही एकाकी देश रहा है। यह एक पर्वतीय देश है। यहाँ खनिजों का अभाव है। कृषि क्षेत्र अत्यधिक सीमित है। यहाँ तकनीकी विकास नहीं हो सका है। यही कारण है कि भूटान आज भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ का विकास विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भर है। इसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है जो अनेक प्रकार के विकास कार्यों में सहयोग दे रहा है। मूलतः यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, साथ ही वनों का भी यहाँ आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व है। भूटान में कृषि
नदियों की घाटियों में की जाती है। उत्पादन अत्यधिक सीमित है। कृषि के साथ साथ यहाँ सीमित पशुपालन का भी विकास हुआ है। इनमें गाय, सुअर, भेड़ बकरियाँ, घोड़े और मुर्गियाँ आदि पाली जाती हैं। भूटान के आर्थिक विकास के लिए भारत के समान पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ 1961 से किया गया। भारत भूटान के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक विकास को पर्याप्त महत्व दिया गया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भूटान सीमित साधन एवं विपरीत प्राकृतिक दशाओं के होते हुए भी विकासोन्मुख देश है। विदेशी सहयोग एवं स्थानीय प्रशासन इसके विकास को और अधिक गति प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है मालदीव। आर्थिक दृष्टि से मालदीव निर्धन है। 298 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो 2000 द्वीपों में विभक्त हो, वहाँ आर्थिक विकास कितना कठिन है ये अपन सभी जान सकते हैं, किंतु यहाँ की सरकार विकास के प्रति सचेष्ट है। मालदीव में नारियल की कृषि बहुतायत से होती है। यहाँ प्रति वर्ष औसतन 2 करोड़ नारियल फल का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त मोटे अनाज एवं फल भी यहाँ उत्पादित किए जाते हैं। नारियल गिरी का यहाँ से निर्यात किया जाता है। मछली पकड़ना यहाँ का प्रमुख उद्यम है। मालदीव में पर्यटन के विकास की भी पर्याप्त संभावना है। विदेशी सहायता और सार्क देशों के सहयोग भी यहाँ के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी नए देश का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।